यहाँ कैसे आना हुआ है? संगठन बनाने के लिए। संगठन बनाने, संगठन काहे का संगठन? विजय रैली के लिए। विजय रैली के लिए कब निकाल रहे हैं? 22 तारीख को। 22 तारीख कहाँ से आए हैं आप? मैं लेपरा से। लेपरा से कहाँ से आए हैं आप? मैं कोटेश्वर नगोई से गुहराम के वहाँ विजय रैली की तैयारी हेतु बैठक रखा थे, गए थे हतुमान में, उसी के संबंध में यहाँ हम लोग आए थे। कहाँ से आए हैं? रामपुर से। रामपुर से, कौन सा रामपुर? कड़गोरा रामपुर। आप कहाँ से आए हैं? कोटेश्वर नगोई। कैसे आना हुआ है यहाँ? यहाँ पर मोहित भैया कांग्रेस पार्टी से विधायक बने हैं और रायपुर से उनका आगमन पौड़ी ब्लॉक में होना है, उसके भय स्वागत के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं और पौड़ी ब्लॉक को हम बहुत ही बेहतरीन संगठन बना के इस पौड़ी ब्लॉक को आगे लाने के लिए प्रयास हम लोग का जारी है। क्या यहाँ बाहर बाहर से काम करने के लिए कोई अध्यक्ष बनता है, विधायक बनता है या सदस्य बनता है, कोई उसको क्या करना चाहते हैं? इसी के लिए संगठन मजबूत करना चाह रहे हैं। हमारे पौड़ी ब्लॉक में अक्सर बाहर से आए हुए व्यक्ति जो है होटलिस्ट हम नाम जुड़ा करके एक से एक हमारे पौड़ी ब्लॉक के अच्छे अच्छे पोस्ट को चुनाव लड़के छीन लिया जा रहा है, इसलिए हम लोग जनता को जगा रहे हैं। हमारे ब्लॉक के जितने भी मैंने मतदाता भाई हैं उसको जागरूक करने के लिए हम लोग ये संगठन को बहुत आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारे क्षेत्रीय आदिवासी भाइयों को मैंने पद का निर्वहन और नेतृत्व करने का मौका मिले। कहाँ से आए हैं आप? कापूपारा। कापूपारा कैसे आना हुआ? हमारे मोहित कलकत्ता जी को आगमन यहाँ हो रहा है, जैसे अपना भाजपा कांग्रेस तो पहले तो अब हमारे पंजे छाप जो भी मतलब अभी वो हुआ है, तो हमारे जो समिति बना है जनता कांग्रेस का, कहाँ से आए अंकल आप? रामपुर से। रामपुर से जीत कैसे लगा? जीत तो बहुत अच्छा है हुआ बहुत अच्छा हुआ। कलकत्ता जी का आने से हमको क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि हमारे नया प्रत्याशी हैं और हम जो सोच रहे थे और जो सोच चाहेंगे वो करेंगे कलकत्ता जी। जी जी, इससे हम लोगों को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। क्या फायदा होगा? हमारे गांव में रोजगार मिलेगा और वो थोड़ा नया प्रत्याशी हैं, वो हमारे पूर्व विधायक से ज़्यादा काम करेंगे। पौड़ी ब्लॉक में दूसरे ब्लॉक वाले हावी होते हैं, उससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? अगर हमारा संगठन रहेगा, एकजुट रहेगा, बिल्कुल फायदा होगा उनके आने से। पौड़ी ब्लॉक को फायदा होगा? पौड़ी ब्लॉक को फायदा होगा। बाहर वालों को प्राथमिकता ज़्यादा दिया जाता है, इसीलिए इसके बारे में क्या सोचते? हमारे पौड़ी ब्लॉक में प्राथमिकता नहीं दिया जाता, हमारे में संगठन नहीं था, इसलिए हम लोग संगठन बना के पौड़ी ब्लॉक में फायदा मिले कह के हम लोग आए हैं। इससे संगठन बनाने से फायदा होगा, संगठन दूसरे ब्लॉक वाले हावी नहीं हावी हो जाते हैं, विधानसभा दूसरे विधानसभा वाले हावी नहीं होंगे। नहीं अभी कहाँ कहाँ से हावी होते हैं? खास करके तो पौड़ी ब्लॉक से होते हैं, पाली ब्लॉक से ज़्यादा हावी होते हैं, ज़्यादा हावी हो जाते हैं, कटघोरा से हो जाते हैं, कटघोरा विधानसभा से, तो वो यहाँ ना पहुँच पाए। कहाँ से आए हैं आप? नंगोई बछेरा से। नंगोई बछे, आप कहाँ से आए? दर्रा भाटा से। आज कितने लोग यहाँ मीटिंग में शामिल हुए होंगे? लगभग 40-50 से 60। कहाँ से निकालेंगे विजय रैली? कब निकालेंगे? फिक्स हो गया? लगभग 22 तारीख। 22 तारीख